आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास लगातार दूसरे साल बने टॉप सेंट्रल बैंकर, पीएम मोदी ने दी बधाई। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को अमेरिका की ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने लगातार दूसरे साल वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया है। आरबीआई ने एक्स पर पोस्ट में कहा, ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि लगातार दूसरे साल आरबीआई गवर्नर दास को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2024 में A+ रेटिंग दी गई है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 31 एजेंडों पर लगी मुहर। पटना सदर अंचल को 4 भागों में बांटने का लिया फैसला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज यानी बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में कुल 31 एजेंडों पर मुहर लगी है। इसमें मुख्य रूप से अब पटना सदर अंचल को 4 अंचलों में विभाजित करने का फैसला कैबिनेट में लिया गया है। पटना सदर अंचल, पाटलिपुत्र अंचल, पटना सिटी अंचल एवं दीदारगंज अंचल को सृजित करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई। पटना सदर अंचल को 4 भागों में बांटा गया है। हर्बालाइफ इंडिया के प्रमाणिक उत्पाद खरीद के लिए आधिकारिक चैनलों की घोषणा। हर्बालाइफ इंडिया एक अग्रणी न्यूट्रिशन और वेलनेस कंपनी है। कंपनी ने उपभोक्ताओं को अपने उत्पादों से संबंधित अनधिकृत बिक्री और भ्रामक जानकारी की बढ़ती चुनौतियों के बारे में सचेत किया है। कंपनी ने कहा कि प्रामाणिक हर्बालाइफ उत्पादों को खरीदने का एकमात्र विश्वसनीय तरीका उसके इंडिपेंडेंट एसोसिएट्स के नेटवर्क के माध्यम से ही है। नहीं मिलेगी सैलरी, रुक सकते हैं प्रमोशन, योगी सरकार ने जारी किया आदेश। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि अब राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को अपनी चल और अचल संपत्ति की घोषणा करनी होगी। इस दिशा निर्देश के अनुसार कर्मचारियों को अपनी संपत्ति की जानकारी 31 अगस्त तक प्रस्तुत करनी होगी। पीएम मोदी 2 दिन के दौरे पर पोलैंड पहुंचे। भारतीय समुदाय के लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाकर स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर पोलैंड पहुंच गए हैं। जिस होटल में ठहरेंगे उसके बाहर भारतीय समुदाय के लोग जमा हो गए हैं। वे पीएम के इंतजार में भारत माता की जय के नारे लगाते नजर आए। भारत से रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं पोलैंड और यूक्रेन की आधिकारिक यात्रा पर जा रहा हूं। पोलैंड के साथ राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरा होने के मौके पर मेरी यह यात्रा हो रही है। पोलैंड मध्य यूरोप का हमारा आर्थिक साझेदार है। आंध्र प्रदेश की फोमा कंपनी में ब्लास्ट, 4 कर्मचारियों की मौत, 20 गंभीर रूप से घायल। आंध्र प्रदेश के अचापुरम विशेष आर्थिक क्षेत्र में एक दवा कंपनी एसिएंटिया में बुधवार को हुए विस्फोट में 4 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये घटना दोपहर के भोजन के समय हुई, जिससे कई कर्मचारी अचंभित रह गए। भारतीय अर्थव्यवस्था के 2047 तक $55,000 अरब पर पहुंचने की उम्मीद है। सुब्रमण्यन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के कार्यकारी निदेशक कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन ने बुधवार को कहा कि डॉलर के संदर्भ में वृद्धि दर 12% बनी रहने पर भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 2047 तक $55,000 अरब तक पहुंच सकता है। उन्होंने यहां उद्योग मंडल CII के एक कार्यक्रम में कहा कि वर्ष 2016 से मुद्रास्फीति का एक लक्ष्य तय किए जाने से देश में महंगाई की दर को औसतन 5% तक लाने में मदद मिली है। बढ़त के साथ बंद हुआ बाजार। सेंसेक्स 80,905 और निफ्टी 24,770 पर क्लोज। शेयर बाजार में आज यानी 21 अगस्त को फ्लैट कारोबार हुआ। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 102 अंक की तेजी के साथ 80,905 के स्तर पर, तो वहीं निफ्टी में भी 71 अंक की तेजी रही। ये 24,770 के स्तर पर बंद हुआ।